नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसारथी न्यूज। बात करेंगे कांग्रेस से पलायन कर रहे लोगों की। छिंदवाड़ा के चौराई से कांग्रेस विधायक रहे चौधरी गंभीर सिंह ने भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ने मंगलवार को ही सांसद नकुल नाथ को दोबारा छिंदवाड़ा से लोकसभा प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद पूर्व विधायक गंभीर सिंह का भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। चौधरी गंभीर सिंह ने कांग्रेस पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने को लेकर कई आरोप लगाए। कारण मेरा ये है कि जब राम, हम एक तो रघुवंशी हैं, भगवान श्री राम के वंशज हैं। हमने अभी अयोध्या में वहां जाकर के अभी यज्ञ किया 2121 कुंडी। हम पूरे 8-10 दिन वहां रहे और बहुत ऐतिहासिक, मतलब 5000 लोग हम लोग यहां से गए थे प्रदेश से, और भी विभिन्न प्रदेशों से लोग वहां आए और बड़ा यज्ञ जो है भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करते हुए सफल हुआ। जब ये मंदिर निर्माण हुआ, और इनको सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ठेस वहां लगी, दुख वहां हुआ कि इनको निमंत्रण दिया गया कांग्रेस हाईकमान में, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, जो भी खड़गे जी हो, पर इन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। हमने यहाँ प्रदेश कांग्रेस में आवाज उठाई थी कि इसमें गाइडलाइन होना चाहिए कि सब लोगों को, जिसको जाना है, आप जिसको ना जाना ना जाए, पर 99% लोग कहते थे कि हमें जाना है और सबको जाना चाहिए। तो हम बराबर गए, भगवान के दर्शन किए, यज्ञ भी किए, और आज हम जो उससे ऐसा लगा हमको कि गांधी के मार्ग से ये लोग भटक गए, जिन्होंने अंतिम समय में हे राम कहा था, और उसके बाद ये राम, भगवान राम का हम कह रहे हैं, उस दिन 22 तारीख को ये कहते हैं कि वो राजनीतिक था, तो दूसरे दिन चले जाते, तीसरे दिन चले जाते, हाँ 8 दिन बाद चले जाते। यानी राहुल गांधी की यात्रा वहां से निकल गई, पूरा यानी परिवारवाद के जो आरोप लगाते हैं वो सही है, वहां से यात्रा निकल गई, पर ये वहां नहीं गए। उज्जैन गए तो महाकाल जी के दर्शन जरूर किए। आज आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो क्या लोकसभा में इसका असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा आपको, बिल्कुल। जहां रहेंगे हम ईमानदारी से रहेंगे, वहां भी 37 साल रहे, ईमानदारी से काम किया। जनसारथी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही।